यूजी के संशोधित नतीजे जारी कर दिए गए हैं। एनटीए ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं नतीजे। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इसके लिए निर्देश दिए थे, तो ये बड़ी खबर है। नीट यूजी के संशोधित नतीजे जारी कर दिए गए हैं। वेबसाइट पर एनटीए ने नतीजे अपलोड किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये वेबसाइट पर अब पब्लिक कर दिए गए हैं नतीजे। और न्यूज 18 संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मामला कोर्ट में था नीट यूजी का भी, और अब ये नतीजे भी वेबसाइट पर आ गए हैं। जी देखिए, तौर पर ने जो निर्देश दिया था और ये कहा था कि तमाम स्कोर है उनको रिवाइज किया जाए, क्योंकि दो प्रश्न पत्र आया तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी थी। पुराना जो फिलहाल प्रश्न पत्र होगा उसी के जवाब को सही माना जाएगा, तो निश्चित रूप से जो ये स्कोर अब एनटीए के द्वारा फिलहाल घोषित किया गया है, इससे कहीं ना कहीं जो तमाम क्रेडिट बच्चों का अंक में बढ़ा है उसको असर देखने पर निश्चित रूप से बढ़ेगा, और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इसी दिशा में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आप दो प्रश्नों को लेकर इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को करें, तो ऐसे में अब इस फैसले के बाद अब जो स्कोर जारी किया गया है इससे जो मेरिट है टॉप 100 छात्रों का वो बदल नजर आएगा, और ऐसे में वो भी छात्र अब सामने आएंगे जिनका स्कोर कम था 4 नंबर, क्योंकि ये 4 नंबर अगर जोड़ा जाएगा और जिनको गलत पर 4 नंबर पहले दिया गया था उसको कम कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से नई जो मेरिट अब बनेगी उसमें इस असर को देखा जाएगा। आपका सुशील पूरी जानकारी के लिए। तो एनटीए ने वेबसाइट पर अब नतीजे अपलोड किए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए निर्देश दे दिए थे नीट यूजी एग्जाम के नतीजे।